तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट है, इसका भाई जो आज के दिन का फर्स्ट मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 37 जो कि खेला जाएगा एमिरेट्स ब्लू वर्सेज शारजा के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग कर जाओगे। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर कल के मैचेस की तो उनमें आपके भाई ने आपको अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप लगातार करवाई है। रिजल्ट वगैरह सब कुछ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ भाई आज के जो मॉर्निंग के मैचेज है साइचम T10 लीग के, वो भी आपके लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप दिया है। ठीक है, यहां पर अगर आप उनके आज के दिन का जो पहला मैच अभी खत्म हुआ उसके अगर आप रिजल्ट देखोगे तो वहां पर भी आप देख सकते हो बिल्कुल वन साइडेड विनिंग यहां पर हमने किया। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हो सारे कॉन्टेस्ट, ऑलमोस्ट भाई सारे कॉन्टेस्ट 100+ के स्कोर, मतलब 100+ पॉइंट के स्कोर डिफरेंस से हमने विन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस मैच की, तो इस मैच में आपके लिए होने क्या वाला है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ क्या हमारी टीम रहेगी, कौन से डिफरेंशियल पिक रहेंगे, कौन से प्लेयर जिनको ड्रॉप करना है, कौन से प्लेयर्स के ऊपर हमें CVC का रिस्क लेना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें भाई यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं करते हो ना तो भाई आपका लॉस होना 99% कन्फर्म है। ठीक है, रीज़न है उसका, मैं ये नहीं बोल रहा कि टेलीग्राम पर कोई जादू का मंत्र आपको दूंगा वहां से आप विन कर जाओगे। ठीक है, लेकिन जो टेलीग्राम पर फाइनल मिनट की अपडेट आती है ना दोस्त, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिस कर दी ना तो आप 100% लॉस करवा सकते हो अपना। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो ध्यान से देख लिया ना तो भाई आप वन साइडेड अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप की तरफ जाने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक। अब टेलीग्राम पर मिलेगा क्या क्या और मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं आपको कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोग आपसे पैसा ले रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं और फिर भी भाई आपको पागल ही बना रहे हैं, आपका लॉस करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसके 2 से 3 रीजन है, वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएंगे। तो चलिए भाई चलते हैं वीडियो की तरफ और यहां पर फिर से बात करते हैं स्टेट्स वगैरह की। तो यहां पर अगर बात करें मैच की टाइमिंग की तो 6:45 पर अब से लगभग लगभग 3 घंटे बाद मैच खेला जाएगा। जब वीडियो आपको मिलेगी तब ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास बचे होंगे। अब अगर बात करें भाई वेन्यू की तो आप वेन्यू देख सकते हो, मलिक क्रिकेट ग्राउंड अजमान में मैच होने वाला। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प यहां पर रहने वाली है। वेदर की बात करें तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस भाई ना के बराबर है अभी, है ना। अब अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो 100 से 120 के बीच में आप एवरेज स्कोर मान सकते हो। वहीं अगर आप देखोगे वेन्यू के रिकॉर्ड्स को तो 37वें मैच की हम बात कर रहे हैं, 36 मैच जो अभी तक इस सीजन के यहाँ पर इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उनमें से सिर्फ 14 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया, 22 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। लेकिन 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 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है, मैं ये बोल रहा हूँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने सिर्फ 14 मैच विन किए, लेकिन ये स्टार्टिंग में जब पिच पर मदद अच्छी खासी थी ना फास्ट बॉलर्स के लिए तब है, क्योंकि भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब क्या है पिच स्लो हो चुकी है और अब सेकंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए मदद है, तो अब भाई जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम है ना उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, वो भाई अब बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता लग गया होगा टॉस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, तो टॉस के बाद कौन से स्पिनर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करवाते टाइम, कौन से पेस बॉलर है जो थोर में गेंदबाजी करेंगे और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवा रहे हैं, वो सारी अपडेट फुल टीम सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए एमिरेट्स ब्लू से स्टार्ट करते हैं और इन्हीं की भाई यहां पर पहले प्लेइंग 11 प्लस रीसेंट फॉर्म देख लेते हैं प्लेयर्स की, उसके बाद भाई चलेंगे शारजा की तरफ, उसके बाद आपको टीम बना के दिखाएंगे। यहां पर है ना जो मैं आपको प्लेयर के स्टेट्स बताऊंगा तो यहां पर बड़े डिफरेंशियल पिक का आपके लिए निकल कर आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज आपका, मैं ये बोल रहा हूं ये 10 से 12 मिनट की वीडियो आप देख लोगे ना आपका कुछ भी
भी ऐसा मतलब पार्ट नहीं बचेगा जो आपको मतलब रिक्वायर्ड होगा इस वीडियो को देखने के बाद इस मैच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें अलीशान सराफू की, तो यहाँ पर आप देख सकते 27 रन 0 विकेट, उससे पहले 59 रन, उससे पहले 68 रन 0 विकेट, और उससे पहले बॉलिंग करवाई नहीं। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग कर रहा है, 100% टीम में रखना ही रखना है। इवन भाई आप इसे अपनी टीम में एज ए वीसी 101% लेकर जा सकते हो, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। जवार फरीद लास्ट के 2-3 मैच खेला नहीं था, और लास्ट वाले मैच में वापसी किए, और क्या गजब वापसी किए भाई। 58 रन 26 से 27 बॉल पर बना दिए थे 200+ के स्ट्राइक रेट से, और एक विकेट भी लेकर गया। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा था लास्ट मैच में, और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहा था, और हमने भी टीम में लिया था तो विन कर गए थे। बात करें अगर यहाँ पर इससे पहले वाले मैच में 2 रन DNB, उससे पहले 10 रन 1 विकेट, उससे पहले 2 रन 3 विकेट, उससे पहले 6 रन 1 विकेट, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। वहीं अगर बात करें भाई शैलोम डिसूजा, GL मिनीजल में ट्राई कीजिएगा। अश्वंत वलथप्पा विकेट कीपिंग सेक्शन में, अगर आपको ज़्यादा कुछ अच्छा ऑप्शन ना दिखे तो आप इन्हें ट्राई कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल जो इनकी लास्ट की 6-7 मैचेज से फॉर्म चल रही है ना, वो काफ़ी ख़राब चल रही है। स्टार्टिंग के 3 मैच टूर्नामेंट, 3 या 4 मैच में टूर्नामेंट में 20+ का स्कोर किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था इतने नीचे आके। तो अब यहाँ पर भाई बट वो बात नहीं दिख रही इनमें। आर्यन सक्सेना, इनकी क्या है कि 29 की जो नोक दिख रही है ना, ये ओपन करते हुए आई थी, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर जवार फरीद खेलता तो ये ओपन करेगा, अदरवाइज भाई आर्यन सक्सेना या सैलम डिसूजा में से कोई ओपन कर सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें हरीश शेट्टी की, लास्ट 5 मैच में से सिर्फ 3 मैच में विकेट है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। हर्ष देसाई की बात करें, 2 विकेट 1 विकेट, यहाँ पर इन्हें भी आप GL मिनीजल में ट्राई कीजिएगा। उनेब रहमान की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, जरूर से बैक कर सकते हो। तनिष सूरी को GL मिनीजल में ट्राई कीजिएगा। रीजन क्या है कि कभी तो इन्हें टीम ओपन करवा देते, कभी इनकी बैटिंग भी नहीं आती, तो GL मिनीजल में ट्राई कीजिए। आकाश ताहिर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आते तो आपके लिए डिसेंट पिक रह सकते हैं, अदरवाइज भाई इजीली ड्रॉप कर दीजिएगा। सबीर राव फर्स्ट इनिंग में मस्ट हैव पिक रहेगा, सेकंड इनिंग में भी एक डिसेंट पिक आपके लिए रह सकता है, तो मतलब मैं ये बोलूंगा आप इसे टीम में तो रख ही सकते हो। फर्स्ट इनिंग में एक डिफरेंशियल VC का भी काम आपके लिए कर सकता है, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। शारजा की प्रोबेबल प्लेइंग 11+ प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो तो उस्मान खान आपको दिखेंगे, लास्ट के अगर 2 मैच देखोगे तो 30+ का स्कोर है, उससे पहले कुछ खास नहीं है। तो GL मिनीजल में अगर आप चाहो तो कैप्टन भी दे सकते हो, स्मॉल लीग में आप इन्हें अपनी टीम में जरूर रख लीजिएगा। हसन इसाखेल की बात करें तो बीच में भाई यहाँ पर 2 मैच में 33 और 21 रन का स्कोर है, उससे के अलावा बाकी के 3 मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहा है, तो GL मिनीजल में ट्राई कीजिएगा। खालिद साहब पूरे टूर्नामेंट में भाई शायद मेरे को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई डबल डिजिट स्कोर भी बनाया है, नहीं बनाया, सारे सिंगल डिजिट स्कोर है, बहुत ही गंदी फॉर्म से गुजर रहे। प्लेयर बहुत हाई लेवल टैलेंटेड है बट भाई फॉर्म ही साथ नहीं दे रही, क्या ही कर सकते। एक आधी GL टीम में आप इसे कैप्टन VC जरूर ट्राई कीजिएगा अगर खेलता है तो, स्मॉल लीग में टीम में रखने का मतलब ही नहीं बनता भाई, इजिली ड्रॉप कर सकते हो। फयाज अहमद की बात करें तो अगर आप चाहो तो भाई आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से इन्हें ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर का काफी मतलब इनका झमेला रहता है, काफी ज्यादा नीचे आ जाते हैं, कभी कभी ऊपर चले जाते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मोहम्मद नदीम की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 13 रन 1 विकेट, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर 7 रन DNB, 17 रन 2 विकेट और 1 रन DNB, इसके अलावा 12 रन 0 विकेट यहाँ पर इन्होंने किए हैं अपने परफॉर्मेंस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है वो है भाई यहाँ पर 17 रन 2 विकेट, 13 रन 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो आप इन्हें अपनी टीम में एज ए VC भी लेकर जा सकते हो, अदरवाइज भाई GL मिनीजल में आप इन्हें कैप्टन भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आती है तो स्मॉल लीग में भी VC लेकर जा सकते हो। इसके अलावा मोहम्मद उजैर खान लगातार बैटिंग बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, बैक कर सकते हो। मोहम्मद शाकिर खान 2 मैच में भाई यहाँ पर बीच में विकेट निकाले, इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में विकेटलेस रहा है और बैटिंग तो इनकी आ ही नहीं रही, तो भाई क्या ही मतलब परफॉर्मेंस है। GL मिनीजल में इंपॉर्टेंट रहेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल लीग, स्मॉल लीग में बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए बन सकता है। वहीं अगर बात करें यासिर खान की, GL मिनीजल में ट्राई कीजिएगा, सेम दिक्कत बैटिंग ऑर्डर वाली। मोहम्मद मुदस्सर अली भाई ये बंदा क्या फॉर्म में आया, लगातार भाई आप यहाँ पर देखिए 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट के 3 मैच में 5 विकेट निकाल चुका है, उससे पहले ये 2 मैच किसी और टूर्नामेंट में खेल कर आ रहा था, वहाँ पर भी अच्छी फॉर्म में था। तैमूर भट्टी की बात करें, GL मिनीजल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ भाई 2 विकेट लास्ट 5 मैच में निकाले। जाहिद अली की बात करें तो इन्हें भी आप GL मिनीजल में ट्राई करोगे तो ही मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें टीम की तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ, लेकिन अगेन आपको याद दिला दूँ अभी जो मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा ना, ये सिर्फ एक डेमो टीम रहेगी, फाइनल टीम आपको
टेलीग्राम पर मिलेगी। तो यहाँ से भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में उस्मान खान को ट्राई करेंगे, इसके अलावा यहाँ से किसी और को ट्राई नहीं कर रहा है। यहाँ से अलीशान सराफू को अपनी टीम में रखेंगे, हसन इसाखेल को अपनी टीम में रखेंगे और यहाँ से भाई आर्यन सक्सेना को टीम में रखेंगे। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो मोहम्मद नदीम को अपनी टीम में रखेंगे। अगर आदित्य शेट्टी खेलता है तो भाई इन्हें बैक करेंगे, नहीं खेल रहा अभी, लास्ट मैच नहीं खेला तो भाई अभी हम ट्राई नहीं करेंगे। हर्ष देसाई यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो औरतों को इंपॉर्टेंट, हाँ यासी जवाहर फारिद को अपनी टीम में रखेंगे। लास्ट मैच में भाई आप देखिए वन ऑफ द बेस्ट पिक हमारे लिए रहा था। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर भाई मोहम्मद जाहिद अली हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा अगर भाई यहाँ से बात करें उनवर रहमान की तो आप इन्हें भी बैक कर सकते हो। समीर राव को मैं अपनी टीम में रखूंगा और यहाँ से मोहम्मद उजैर को रखूँगा। और सच में उनवर रहमान को आपको कब रखना है, जब ईएमबी की पहले बॉलिंग आई। अगर भाई यहाँ पर भाई शारजा की पहले बॉलिंग आती है तो भाई यहाँ पर मोहम्मद मुदस्सर अली को रख लीजिएगा। अभी के लिए चलिए मैं मोहम्मद मुदस्सर अली को रखता हूँ। कैप्टनसी की बात करें तो वीसी तो भाई मेरा अभी के लिए शोर है कि मैं यहाँ से शोर शोटू कि मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अलीशान सराफू के साथ जाऊँ। कैप्टनसी का अच्छा दावेदार उस्मान खान रहेगा, जवाहर फारिद रहेगा, मोहम्मद नदीम रहेगा, या फिर यहाँ से भाई मोहम्मद उजैर खान के साथ आप जा सकते हो। अभी के लिए मैं मोहम्मद उजैर खान को अपनी टीम में एज ए कैप्टन लेकर जा रहा हूँ। वीसी भाई यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ अलीशान सराफू को। टीम के प्रिव्यू की बात करें तो टीम आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होती है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर आपको दी जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।